एक आदमी को अपने बाजू पर शेर का टेटुआ बनाने का शौक पैदा हुआ। ये भी बड़ा शौक चल रहा है, गुलाब का फूल अपने पीठ पर बनवाते, कोई बिच्छू बनवाता, कोई बालू बनवाता, कोई लोमड़ी बनवाता, चॉइस और पसंद पसंद की बात आती। एक साहब को शेर बनवाने का शौक चढ़ाया, गया खुदवाने वाले के पास, कहा भाई मेरे बाजू पे शेर बना दो। कहा ठीक है साहब, आओ बना देते। बनाना शुरू किया, स्विच बोया तो वो भिदका। कहा क्या कर रहा हूं? कहा दुम बना रहा हूं। कहा यार ये दुम बना रहा हूं तो ये दुम कैसे बना रहा हूं? कहा स्विच होऊंगा, गोदूंगा, जब ही तो दुम बनेगा, शेर बनवाना है ना आपको। तो उस आदमी ने कहा भाई ऐसा कर, तू बिना दुम का शेर बना दे, बिना दुम का शेर बना दे। मैंने महाराज के जंगल में बिना दुम का शेर देखा है कि नहीं? तू बिना दुम का शेर बना दे। कहा ठीक है चलिए बना देता हूं। फिर उसने स्विच बोई, कहा अब क्या कर, कब आंख बना रहा हूं। कैसा कर तो आंख छोड़ दे, बिना आंख का शेर बना। उसने आंख भी छोड़ दी है कि नहीं? फिर कहा ठीक है साहब चलो अंधा शेर बना जाते। उसने कहा फिर स्विच बोया, पूछा अब क्या कर, का कान बना रहा। का तू कान भी छोड़। गोदने वाला गुस्सा हो गया, अजीब हाल है, बिना कान का शेर, बिना सर का शेर, बिना दुम का शेर, ये कैसा शेर बनेगा? उस शेर में और इस मुसलमान में कोई फर्क नहीं, नमाज नहीं फिर भी मुसलमान, रोजा नहीं फिर भी मुसलमान, ज़कात नहीं फिर भी मुसलमान, हज नहीं फिर भी मुसलमान, सबको खैरात नहीं फिर भी मुसलमान। अरे अगर बगैर तुम का बगैर सर का शेर नहीं हो सकता तो बगैर ईमान, बगैर नमाज के, बगैर रोजे और ज़कात के मुसलमान कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, मुसलमान अगर बनना है तो शेर की तरह मत बनो। बिना दुम का, बिना कान का, बिना आंख का, बिना सर का शेर अगर नहीं हो सकता तो बिना नमाज का मुसलमान कैसा, बिना दाढ़ी का मुसलमान कैसा है कि नहीं? बिना इस्लामी नाम का मुसलमान कैसा? और दिल को इस बात से तसल्ली और ठंडक पहुंचाते कि भाई साहब अब तो नाम के मुसलमान हैं, लेकिन वो समाना भी बीत गया जब नाम के मुसलमान हुआ करते थे। जमाना इतना नाजुक आ चुका है कि अब नाम के भी मुसलमान नहीं रह गए। आज हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हम अपने बच्चों का नाम क्या रखते हैं? डेवलपमेंटी नाम, मॉडर्ना, एक्स वाई जेड। हमारे बच्चों का नाम, बच्चों का नाम रिंकी, बबली, बंटी, और बच्चों का नाम क्या होता है? बबलू, पप्पू, दद्दू, लड्डू। पता नहीं ये लड्डू प्रसाद वाला लड्डू है कि शिरनी वाला लड्डू, ये कैसा लड्डू है कि ना? इस कौम को पसंद आया है कि लड्डू पसंद आया? अरे रस मलाई पसंद किया होता, रस माधुरी पसंद किया होता, ये लड्डू पसंद किया। अब ये भी पता नहीं कि ये प्रसाद वाला है कि तबर्रुक वाला लड्डू, कौन सा लड्डू? लड्डू तो दोनों में चलता है ना, है ना? ये प्रसाद वाला है कि तबर्रुक वाला? नाम से कहते हो नाम के मुसलमान, अब तो नाम के मुसलमान ही नहीं रह गए, नहीं रह गए मुसलमान ही ना। सूरत से कंफ्यूजन तो था ही, सीरत से कंफ्यूजन तो था ही, सोचा था नाम से कंफ्यूजन दूर कर लेंगे, तो नाम पूछा तो लड्डू। ये फिर कंफ्यूजन करा, शिरनी वाला या तबर्रुक प्रसाद वाला, नाम मुसलमानी नहीं। अरे जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी की मुसीबत ने तुमको मुमताज कर दिया, उस नबी की हदीस पढ़ो। सरकार फरमाते हैं जिसके घर में बेटा पैदा हो और वो बाप अपने बेटे का नाम मुआविया रखे, सरकार फरमाते हैं काला होगा वो बोलूंगा हूँ चेहरे ना कला काल कि वो बाप भी जन्नत में जाएगा वो बेटा भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए-ईद मिलाद।